गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता लग ही होगा कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिज्जा सॉस। मैंने एक होममेड पिज्जा रेमेडी आपके साथ शेयर की थी एक वीडियो में, तो आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि आप पिज्जा सॉस के ऊपर वीडियो बनाएं कि कैसे बनाते हैं। घर में ही मैं बनाती हूँ व्हाइट सॉस भी और पिज्जा सॉस भी, तो आपको दोनों में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आज हमारा प्लान बन रहा था कि पिज्जा बनाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। खुश रही हूँ बोलने, तो चलिए बनाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। व्हाइट सॉस के लिए मैंने प्रिपरेशन करी है, तो सबसे पहले मैं व्हाइट सॉस आपको बताती हूँ कि उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मक्खन, आप घी भी ले सकते हो एक चम्मच, और फिर उसके बाद मैंने लिया है मैदा एक चम्मच, और फिर मैंने लिया है ये काली मिर्च है, इसको मैंने कूट लिया है, साबुत थी हमारे पास तो इसको मैंने कूटा है, और थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा लहसुन, ये हम फ्लेवर के लिए डालेंगे उसमें, और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है दूध। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसको मैं गर्म करने के लिए लगा रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैंने डाला है मक्खन, आप इसकी जगह घी ले सकते हो, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन अगर घी डालोगे तो ज़्यादा बेटर, घी या बटर तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने मैदा ऐड किया है एक चम्मच, जो मैंने आपको बताया था, और ये जो मक्खन है थोड़ा सा कम हो गया था तो मैंने बाद में थोड़ा सा इसमें घी डाला है, और आपको इसको बहुत कम आंच पे पकाना है। अगर आप ज़्यादा आंच पे पकाओगे तो ये बहुत ज़्यादा जल जाएगा एकदम से, वो चीज़ नहीं बन पाएगी, और जलाना भी नहीं है। थोड़ा सा, थोड़ी देर, एक मिनट, हाँ मैक्सिमम एक मिनट आपने इसको स्टर करना है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। दूध आपको ज़रा ज़रा सा डाल के घुमाते रहना है। मेरे एक हाथ में फ़ोन था, इस वजह से मैं नहीं घुमा पा रही थी साथ साथ में, तो मैंने पहले इसको घुमाया, फिर उसके बाद सारा दूध ऐड कर दिया। तो वो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना है, एकदम से नहीं करना, क्योंकि इसमें फिर वो लम्स पड़ जाएंगे। और जो वाइट सॉस है आप इसको पिज़्ज़ा में भी खा सकते हो, सॉरी पिज़्ज़ा में तो खा ही सकते हो ना, बट पास्ता में भी खा सकते हो, ब्रेड के साथ भी खा सकते हो, ब्रेड के लिए, सब हर चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आपको पिज़्ज़ा के लिए ही सिर्फ ये है, और पिज़्ज़ा में तो इसका बिल्कुल भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने वाली है। और यहाँ पर मैंने लहसुन डाल दिया है, काली मिर्च मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा सा नमक मैं इसमें डाल दूँगी, नमक इसलिए क्योंकि फ़्लेवर अच्छा बन जाता है, थोड़ा सा नमकीन नमकीन सा अच्छा लगता है। तो मीडियम फ्लेम पे इसको मैं पका रही हूँ, और यहाँ पे ये बन गया है पूरी तरीके से, आप देख सकते हो, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपने कितनी देर पकाना है इसको, ये कुछ ऐसा दिखेगा पकने के बाद। तो ये यहाँ पर पूरा हो चुका है, इसके बाद मैंने इसको बाउल में निकाल के ठंडा होने के लिए रखा है, और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो अपने फ्रिज में एक हफ्ते के लिए, बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब बना लेते हैं रेड टोमेटो सॉस, पिज़्ज़ा सॉस जो कि मेन पिज़्ज़ा सॉस होती है वो बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है क्रश करके, टोमेटोज़ लिए हैं क्रश करके, दो टोमेटो लिए हैं मैंने, और यहाँ पर आप देख सकते हो देगी मिर्च, और नॉर्मल जो मिर्च होती है वो काली मिर्च, लहसुन, और थोड़ी सी चीनी, और ये ली है मैंने वो केचप, टोमेटो केचप। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए अब रेड सॉस बनाते हैं, और आज की वीडियो में आपके लिए कोई भी फालतू बातें नहीं होगी, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बातें करने वाली हूँ, सिर्फ आपको रेसिपी ही बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और ये रेसिपी आपके काम आई या नहीं आई, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मैंने लिया है एज यू नो, ये तो हमारे को चाहिए। फिर इसमें मैंने तेल डाला है, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, पर मैंने ज़्यादा डाल दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। सरसों का तेल है तो इसको आपको अच्छे से गर्म होने देना है, और उसके बाद इसमें प्याज डालना है, प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना, जैसे हम सब्जी वगैरह के लिए पकाते हैं ना वैसे नहीं पकाना, थोड़ी सी देर इसको लगने देना है क्योंकि इसकी जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए, बस उतना पकाना है। उसके बाद में इसमें, वैसे लहसुन मेरे को पहले डालना चाहिए था लेकिन मैंने बाद में डाला है, उसके बाद में डाल रही हूँ लहसुन, यहाँ पर मैंने लहसुन ऐड किया है,
और गाइज मैं पहले हल्दी और नमक आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी, तो आपने हल्दी और नमक भी डालना है इसमें, वो मैं अभी डालने वाली हूँ। और हाँ, आप चाहो तो टोमेटो प्याज वगैरह जो भी है इन सबको आप ग्राइंड भी कर सकते हो मिक्सी में, मैंने नहीं किया है तो आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैं ऐसे ही पका रही हूँ, मैंने क्रश किया है इसको नॉर्मल। तो यहाँ पे मैंने प्याज में टोमेटोज़ डाल दिए हैं, जो मैंने टमाटर क्रश किए थे ना वो मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी, मिर्च, हल्दी और नमक, और जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं वो डालने हैं। बाकी जो टोमेटो सॉस केचप था ना वो आपको बाद में डालना है लास्ट में। और जो चिल्ली फ्लेक्स होते हैं वो मेरे पास नहीं थे, और मैं इसमें अजवाइन भी डालती हूँ, अजवाइन से भी थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, लेकिन थी नहीं घर में तो मैंने डाली नहीं है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, देखो मैंने हल्दी डाली है, मैं भूल गई थी पहले बताना, तो आपने हल्दी भी ज़रूर डालनी है इसमें थोड़ी सी, और बाकी जो भी मसाले मैंने आपको बताए हैं वो सब डाल देने हैं। और नमक बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डाल दो, क्योंकि हर चीज़ में नमक डालोगे ना तो ज़्यादा हो जाता है काम, इसलिए नमक ज़रा ज़रा डालना है हर चीज़ में। तो यहाँ पे आप इसको पकने देना, अच्छे से पकने देना, जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ना सूख जाए और इसमें जो तेल होता है ना अलग से ना दिखने लग जाए, तब तक आपको इसको पकाना है। और यहाँ पर मैंने टोमेटो केचप भी ऐड कर दिया है लास्ट में, अगर चिली फ्लेक्स हो तो वो भी डाल देना, और चीनी भी लास्ट में ऐड कर देनी है, चीनी से थोड़ा खट्टा मीठा वाला फ्लेवर आ जाता है। तो अब ये पूरी तरीके से पक चुका है, ये हो चुका है, अब मैं इसको निकालूंगी बाउल में। सो गाइज ये थी मेरी पिज़्ज़ा सॉस रेसिपी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और अगर आपको समझ आया या नहीं आया कुछ भी हो तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को समझाना भी नहीं आता है ज़्यादा, तो अगर समझ आ गया हो आपको अच्छे से तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।